तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के बाद बेट द्वारका जी मंदिर भी गए। उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना भी की और बता दें कि गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का नाम 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी थी। फोरलेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। सुदर्शन सेतु को बेहतरीन डिजाइन से तैयार किया गया, जिसमें भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया हुआ है। एक फुटपाथ भी बनाया गया है। तो वही गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने द्वारका के समंदर में स्कूबा डाइव का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी के स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं, तो अब आप देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। द्वारका के समंदर में स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए पीएम मोदी, और ये खूबसूरत बेहतरीन तस्वीरें जब समंदर में स्कूबा डाइविंग कर की प्रधानमंत्री ने द्वारका के समंदर में डाइव का लुफ्त उठाते हुए नजर आए। स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें सामने आई हैं और आप ये देखिए एक भव्य कार्यक्रम और उसके बाद की कुछ अनोखी तस्वीरें पीएम की सामने आई हैं। पीएम मोदी